Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In today's video, we will learn about agency in detail, like its meaning, roles, methods of creation, rights, duties of agent and principal and its termination. So, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। लोग वीडियोस तो देखते हैं पर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एजेंसी क्या चीज है। तो एजेंसी क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। मतलब कि कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एजेंट को डिफाइन किया गया है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर। एजेंट कौन है? एक ऐसा पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो दूसरों के एक्ट को परफॉर्म कर सके, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, या फिर दूसरे को रिप्रेजेंट कर सके जब वो थर्ड पार्टी को डील कर रहा हो। तो ठीक, द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो पर्सन किसी दूसरे के एक्ट को परफॉर्म कर रहा हो, इसके लिए उसका एम्प्लॉयमेंट किया गया हो, या फिर जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो थर्ड पार्टी के सामने, ऐसे व्यक्ति को हम एजेंट बोलते हैं। और जिस पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर जिसके काम को एजेंट परफॉर्म कर रहा है, उस पर्सन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का जो रिलेशनशिप है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, X appoints Y to buy 50 bags of sugar on his behalf. X क्या करता है? Y को अपॉइंट कर रहा है, किस लिए? बाई करने के लिए 50 bags of sugar उसके बिहाफ में। मतलब X अपॉइंट कर रहा है, X किसी को अपॉइंट कर रहा है अपने बिहाफ में किसी काम को करने के लिए। दैट मीन्स कि X क्या है? प्रिंसिपल। और Y को अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो X के बदले 50 बैग्स ऑफ शुगर खरीद सके उसके बिहाफ में। तो Y क्या है यहाँ पे? एजेंट। और इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, the essence of agency relationship is that the agent acquires a representative character and all his action as agent make the principal liable as if they have been done by the principal only. एजेंसी का एक एसेंस होता है, इस पूरे रिलेशनशिप का एक मेन एसेंस क्या है कि एजेंट के पास पूरा रिप्रेजेंटेटिव पावर होता है। वो सारे एक्शंस जो लेगा उन सभी के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रिंसिपल अगर उन एक्ट को खुद परफॉर्म कर रहा होता, उसी हिसाब से प्रिंसिपल लायबल होगा अपने एजेंट के एक्ट के लिए भी। क्लियर? चलिए, अब बहुत बार ही होता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल क्या है, एजेंट क्या है, अलग तरीके से, और फिर पूछा जाता है एजेंसी क्या है। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। मतलब कि वो व्यक्ति जिसके लिए दूसरा कोई काम कर रहा है या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे पर्सन को हम प्रिंसिपल बोलेंगे, या फिर उस पर्सन को हम प्रिंसिपल बोलेंगे जिसने अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट कर दिया है। ठीक है, एनी पर्सन हु एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पर्सन इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी इज द प्रिंसिपल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को एम्प्लॉय कर रखा है अपने एक्ट्स को करने के लिए या फिर खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अगर हम एजेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 182 के अंदर एजेंट को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इम्प्लॉय किया जाता है दूसरे के एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए या थर्ड पार्टी के आगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रिंसिपल के द्वारा अगर एम्प्लॉय किया जा रहा है उसके बिहाफ में एक्ट करने के लिए या फिर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड पार्टी को डील करते वक्त, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है तो ऐसे व्यक्ति को हम एजेंट बोलते हैं। ठीक है, उस प्रिंसिपल का एजेंट बोलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी। बेसिक रूल्स क्या होते हैं एजेंसी को क्रिएट करने के? First rule, the principal is bound by the acts of his agent and can get the benefit of such acts as if he has done them himself. Principal जो है उन सभी acts के लिए bounded होगा जो उसके agent ने perform किए हैं, साथ ही साथ उन act से होने वाले सारे benefits को वो अवेल करेगा। ठीक उसी तरीके से लायबल होगा, उसी तरीके से बेनिफिट को अवेल करेगा जिस हिसाब से अगर वो उन एक्ट को खुद कर रहा होता तब वो उसके लिए बाउंड होता। ठीक उसी तरीके से एजेंट के भी किए गए काम के लिए वो बाउंड होगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ एजेंट शैल फॉर ऑल लीगल पर्पसेस बी कंसिडर्ड टू बी द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट के द्वारा किए सारे एक्ट जो लीगल पर्पसेस के लिए किए गए होंगे वो सभी माने जाएंगे कि ये एक्ट ऑफ प्रिंसिपल है। मतलब क्योंकि प्रिंसिपल को एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो एजेंट जो भी लीगल पर्पसेस के लिए काम करेगा वो प्रिंसिपल का एक्ट कहलाएगा। ठीक है, वॉट एवर अ पर्सन कैन लॉफुली डू हिमसेल्फ ही मे ऑल्सो डू द सेम थ्रू एन एजेंट। हमारा लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन लॉफुली जो खुद काम कर सकता है वो सारे काम वो अपने एजेंट से करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ करके, जैसे मैरिज का, पर्सनल सर्विसेज का, इन सब कॉन्ट्रैक्ट में आप एजेंसी को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर शादी करनी है तो आप अपने बिहाफ में किसी और की शादी करवा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। जो लॉफुली जो आप काम कर सकते हैं वो सारे काम अपने एजेंट से करवा सकते हैं, कुछ एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ करके जो पर्सनल नेचर के होते हैं। क्लियर? चलिए, अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? तो फर्स्ट वन, एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस का मतलब होता है ओरल या रिटन। वन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी थ्रू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मतलब कि ओरल या रिटन दोनों तरीके से आप एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एजेंसी को क्रिएट करते हैं तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी है। और पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर किसके नाम से होगी? एजेंट के नाम से होगी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? मतलब कि आपने क्या कंफर्म किया है? प्रिंसिपल ने कंफर्म किया है कि मेरे पास जो जो अथॉरिटीज हैं, मेरे जो पावर्स हैं, वो अब मेरे बिहाफ में मेरा एजेंट इस्तेमाल कर सकता है। आपने उसको पावर्स दिए हैं लिखित तौर पे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ही उन पावर का इस्तेमाल एजेंट कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या है? इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड का मतलब ये हम लोग समझते हैं कि कोई कंडक्ट के थ्रू अगर ऐसा लगे कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसी तरीके से इम्प्लाइड एजेंसी भी है। व्हेन समथिंग इज नॉट डायरेक्टली और क्लियरली स्टेटेड इट इज कॉल्ड टू बी इम्प्लाइड। क्लियरली नहीं बोला गया, कोई रिटन या कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड बोलते हैं। तो इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है? क्रिएटेड बाय वे ऑफ कंडक्ट द सिचुएशन ऑफ द पार्टीज। मीन्स प्रिंसिपल और एजेंट जो हैं उनका सिचुएशन कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा उनका कंडक्ट हो जिससे ये सामने वाले को लगे कि ये दोनों एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशनशिप में हैं। इस तरीके से भी एजेंसी क्रिएट होती है और ऐसे एजेंसी को हम इम्प्लाइड एजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एजेंसी बाय स्टॉपेल। ठीक है, Suppose a person by his conduct inform another person that a particular person is his agent and the person who is signified as an agent is present and hearing at the time when it is intimated. देखिए, कोई भी person है वो अपने conduct के through सामने वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को ये बताता है कि ये सामने बैठा बंदा जो है ना, ये मेरा एजेंट है, ठीक है। और जिसको वो एजेंट बोल रहा है वो वहीं पे बैठा हुआ है और इन सारी बातों को सुन रहा है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो वहां पे प्रेजेंट भी है, सारी बातों को सुन भी रहा है, ये भी सुन रहा है कि हाँ उसने मुझे एजेंट कहा है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है और ये समझते हुए कि ये सामने बैठा बंदा इस पर्सन का एजेंट है, ठीक है, तो इस तरीके के सिनेरियो में जो रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होती है, इस टाइप की एजेंसी को हम बोलते हैं एजेंसी बाय स्टॉपेल। अब इस केस में बाद में एजेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता कि उसकी अथॉरिटी बनती है या नहीं बनती है इस थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि वो प्रेजेंट भी था, सारी चीजों को सुन भी रहा था और उसने ना नहीं कहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय स्टॉपेल। नेक्स्ट है वाइफ एज एन एजेंट। When a legally married couple live together, the wife is supposed to have the authority of his husband to place his credit in order to afford the basic necessity of life according to their standard of living. अगर कोई legally married couple है तो wife से पूरा उम्मीद किया जाता है कि उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है अपने हस्बैंड की, मतलब वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर सकती है, हस्बैंड के बिहाफ में कोई काम कर सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। अगर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की वो पाने के लिए वो उनके क्रेडिट्स को प्लेस कर सकती है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार, जो भी उसकी नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए वाइफ अपने हस्बैंड के क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे वाइफ भी एजेंट बन सकती है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अगर हैं तो नहीं बन सकती। क्या क्या? अगर क्लियर कट हस्बैंड ने वॉर्न कर दिया है डीलर को कि कोई भी सामान मेरी वाइफ को क्रेडिट पे नहीं देना है, अगर ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हस्बैंड ने दे दिया है तो वो एजेंट की तरह एक्ट करके अपनी नेसेसिटी के लिए चीजें नहीं ले पाएगी क्रेडिट पे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर कट उसने अपने स्पाउस को चीजें लेने से मना कर दिया है, ठीक है, क्लियर कट उसने फॉरबिडन किया है कि मेरे क्रेडिट पे कोई भी सामान नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज ऑलरेडी सप्लाइड द मेंशन स्टफ इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू हिज वाइफ। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में सारे स्टफ वाइफ को प्रोवाइड कर दिए गए हैं तो फिर वो हस्बैंड के क्रेडिट का इस्तेमाल करके नेसेसिटी आइटम्स नहीं खरीद सकती है, नहीं ला सकती है, ठीक है। ही इज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अलाउंस टू हिज वाइफ। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अलाउंस हर महीने हस्बैंड अपने वाइफ को दे रहा है तो उसके क्रेडिट का इस्तेमाल नेसेसिटी आइटम खरीदने के लिए कोई नहीं कर सकता, मतलब उसकी वाइफ नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं, कुछ ऐसे नेसेसिटी वाले सर्कमस्टांस होते हैं जहां पे एजेंट एंड मतलब प्रिंसिपल का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो सपोज कि कोई एक पर्सन है जिसको आपने अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स रख रखाव के लिए दे रखी है, तो अब वो पर्सन ऑब्लिग हो गया कि उसके पास जो भी आपकी प्रॉपर्टी रखी हुई है उसका वो पूरा का पूरा ख्याल रखे। अगर उसके प्रिजर्व करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में कोई खर्चा भी आया ना तो वो खर्चा करेगा, क्योंकि वो ऑब्लिग्ड है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या गुड्स को अच्छे से रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है अपने प्रिंसिपल के लिए। तो ये एक एजेंसी का रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कैसे स्टैब्लिश होगा? एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन के थ्रू भी एजेंसी डेवलप होती है। देखिए कैसे, When a person who do not have any authority claims to act as an agent, मतलब किसी पर्सन को अगर कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर कोई एक लीगली इम्प्लॉयड एजेंट है लेकिन वो अपने अथॉरिटी से बियॉन्ड काम कर दे, तो प्रिंसिपल जो होगा वो लीगली बाउंडेड नहीं होगा बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को सामने वाले का एजेंट बता रहा है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए, या फिर जो लीगल एजेंट है वो बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगली जो हमारा प्रिंसिपल है वो बाउंड नहीं होगा। हाउ एवर he may ratify the act performed by the agent and accept the liability. लेकिन legally bound नहीं होगा, लेकिन वो उस एक्ट को रेटिफाई करेगा जो कि उसके एजेंट ने परफॉर्म किया है और उसके लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि बाउंड नहीं हो रहा, लेकिन उसके एजेंट ने ये एक्ट किया है तो वो उसको रेटिफाई करेगा, लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा। और इस तरीके से जो एजेंसी क्रिएट होती है इसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एजेंट्स ड्यूटीज टू प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी क्या क्या होती है अपने प्रिंसिपल के लिए? फर्स्ट वन, he has to conduct the principal business of the principal according to the direction of the principal। पहली बात, पहली ड्यूटी कि एजेंट को प्रिंसिपल की बिजनेस को ठीक उसी तरीके से कंडक्ट करना है जिस तरीके से प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया होगा, पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी क्या बनती है कि एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस, ही इज सपोज टू कंडक्ट विथ एज मच स्किल एज अ पर्सन ऑन हिज पोजिशन ऑर्डिनरली होल्ड। पूरे स्किल के साथ ये सपोज किया जाता है कि एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करेगा, जैसे वो खुद के बिजनेस को कंडक्ट करता ठीक उसी तरीके से वो अपने प्रिंसिपल के भी बिजनेस को कंडक्ट करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट क्या है कि एन एजेंट इज सपोज टू शो द रेलिवेंट अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल डिमांड। एजेंट से ये सपोज किया जाता है कि जब भी उसका प्रिंसिपल अकाउंट्स को देखने की मांग करे तो वो रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके सामने प्रेजेंट करे। नेक्स्ट क्या है, एन एजेंट हैज द ड्यूटी टू कम्युनिकेट एनी डिफिकल्टी व्हाटसोएवर ही मे कम अक्रॉस व्हाइल डूइंग द प्रिंसिपल्स बिजनेस। एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे डिफिकल्टीज से को कम्युनिकेट करे अपने प्रिंसिपल से। अगर काम करने के दौरान कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको वो बिल्कुल सही तरीके से कम्युनिकेट करे और बताए प्रिंसिपल को कि क्या क्या दिक्कतें उसके बिजनेस के अंदर आ रही हैं। मतलब कि उससे ये सपोज किया जाता है कि वो पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ अपने काम को करे। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट। प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या बनती है एजेंट के प्रति? तो प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट एनी लॉफुल एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी एज एन एजेंट। इंडेमनीफाई करने का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है कि एजेंट ने जितने भी लॉफुल एक्ट किए हैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते समय अगर उसकी कोई भी क्षति हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की ड्यूटी प्रिंसिपल की बनती है। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट एनी एक्ट डन बाय हिम इन गुड फेथ इवन इफ इट एंडेड अप वायलेटिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल किस चीज से बाउंडेड है? एजेंट को इंडेमनीफाई करने के लिए, मतलब क्षतिपूर्ति करने के लिए। अगर एजेंट ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो गुड फेथ में किया है, बिजनेस के एंगल से सही किया है और प्रिंसिपल के लिए सही किया है, लेकिन उसके कारण से थर्ड पार्टी का कोई भी राइट वायलेट होता है फिर भी, लेकिन अगर उसका फेथ गुड था तो एजेंट को इंडेमनीफाई करना प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है। मतलब उस केस में एजेंट की जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करना प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल इज नॉट लायबल टू द एजेंट इफ द एक्ट दैट इज डेलीगेटेड इज क्रिमिनल इन नेचर। प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा अगर एजेंट कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि क्रिमिनल नेचर का होगा। ठीक है, इस चीज के लिए अपने एजेंट को प्रिंसिपल इंडेमनीफाई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपेंसेशन टू हिज एजेंट इफ ही काउजेज एनी इंजरी टू हिम बिकॉज ऑफ हिज ओन कॉम्पिटेंस और लैक ऑफ स्किल। प्रिंसिपल को पूरा कंपेंसेशन देना पड़ेगा अगर एजेंट को किसी तरीके की इंजरी होती है तो। किसी भी कारण से इंजरी हो सकती है, अपने कॉम्पिटेंस की कमी की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ स्किल की वजह से हो सकती है, कोई भी इंजरी होती है तो उसको कंपेंसेशन देना प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट, राइट ऑफ एन एजेंट। एजेंट की क्या राइट्स हैं? तो राइट ऑफ रिटेनर, एन एजेंट हैज द राइट टू रिटेन एनी रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम व्हाइल कंडक्टिंग द प्रिंसिपल बिजनेस। जितने भी रेम्यूनरेशन है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनका वो डिमांड कर सकता है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल की ड्यूटी को पूरा करते समय जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उन सब का वो डिमांड कर सकता है अपने प्रिंसिपल से, उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट क्या, राइट टू रेम्यूनरेशन। एजेंट when he has wholly carried out the business of the agency, has the right to remunerated of any expense suffered by him while conducting the business. उसको पूरा रेम्यूनरेशन डिमांड करने की राइट है। अगर वो बिजनेस को होली कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास पूरा राइट है कि उसको रेम्यूनरेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट ऑफ लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। एजेंट के पास पूरा राइट है। राइट टू लियन का मतलब होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, कब तक रख सकता है? कोई भी मूवेबल इमूवेबल किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है जब तक कि उसका ड्यू रेम्यूनरेशन उसको ना मिल जाए। अगर रेम्यूनरेशन ड्यूज है, नहीं मिला है अभी तक, तो वो उसके पास अधिकार है कि प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अगर बिजनेस को कंडक्ट करते समय एजेंट को कहीं पे भी कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति लेने का पूरा अधिकार एजेंट के पास होता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड उसके पास होता है। नेक्स्ट क्या है? राइट टू कंपेंसेशन। The agent has the right to be compensated for any injury or loss suffered by him due to lack of skill and competence of the principal. अगर प्रिंसिपल के lack of skill या lack of competence की वजह से एजेंट को किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो उसको कंपेंसेट करना पूरा अधिकार है एजेंट के पास। मतलब उस इंजरी के लिए उसको कंपेंसेशन मिले, इसको पाने का पूरा अधिकार एजेंट के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी कब कब टर्मिनेट होती है? When the agent's authority is revoked by the principal. एजेंट की अथॉरिटी अगर प्रिंसिपल रिवोक कर देता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट, when the agent renounce the business of the agency. अपना जो एजेंट है ना, वो बिजनेस को त्याग दे, मतलब बिजनेस करना बंद कर दे एजेंसी का, तो टर्मिनेट हो जाएगी एजेंसी। When the business of agency is completed, किसी पर्पस के लिए एजेंसी को क्रिएट किया गया था, बिजनेस कंप्लीट हो गया तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। दोनों पार्टीज में से कोई, या तो वो उनका डेथ हो जाए या मेंटली डिजेबल हो जाए, मतलब एजेंट या प्रिंसिपल दोनों में से किसी का भी डेथ हो जाए या मेंटली डिजेबल्ड हो जाए तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर जो प्रिंसिपल है वो इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाए तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। So that's all about today's video. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।